जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, पहले का जो आधार कार्ड हम लोग का था वो इस प्रकार से था, और अब इसमें जब बदलाव हुए तो आपका न्यू आधार कार्ड इस प्रकार से रहेगा और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे आपको जानकारी दे, अपना मोबाइल फोन को रोटेट कर लें, पूरा फ्रेज दिखेगा। तो आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है माई आधार। माई आधार लिखने के बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद देखिए, सबसे ऊपर जो माई आधार लिखा हुआ लिंक है UIDAI.government.in, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपका पेज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, इसी पर हम लोग अब क्लिक करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारा अपना मोबाइल नंबर ये सब भी सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से फिर से खुल जाएगा। तो ऊपर में अपना आधार कार्ड नंबर हम लोग पूरा डालेंगे और नीचे डालेंगे कैप्चर कोड। कैप्चर कोड जो लिखा हुआ रहता है दाहिने साइड में, वो वाला हम लोग भरेंगे और सेंड OTP पर फिर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हमने भर लिया है और सेंड OTP पर फिर हम लोग क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुल जाएगा और मोबाइल में OTP जाएगा, और वो OTP फिर हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे और फिर वेरीफाई एंड डैशबोर्ड पर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद फिर जब हम लोग पेज खोलेंगे तो अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ लास्ट का जो 4 अंक रहता है वो डालेंगे। तो उस